हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहबुद्दीन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेसीबी मशीन को जो है रोड पे हम कैसे शिफ्टिंग करें और हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है, गियर कैसे डालना है और हमारी मशीन कितनी स्पीड में चलती है। इस सारी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा मैं। तो वीडियो का एंड तक देखो, बहुत कुछ इसमें आपको सीख मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने अभी मशीन स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको देखना कि हमारा स्टेबलाइजर जो है वो ज़मीन से टच है या नहीं, ठीक है। अगर ज़मीन से टच होगा तो ऊपर कर लेना है, नहीं भी टच होगा फिर भी एक बार आपको इसे ट्राई कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान आपको रखना ही रखना है, ठीक है। ये पहला नंबर। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लोडर ज़मीन से टच है, ठीक है, अभी देखिए हमारा जो लोडर है वो ज़मीन से बिल्कुल टच है, ठीक है, तो अभी हम इसको फोल्ड करके ऊपर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने इसको फोल्ड करा और मैं इसको अभी ऊपर लिया, ये देखिए मैं ऊपर ले लिया अभी, ठीक है। और ज़्यादा भी लोडर को ऊपर नहीं करना कि आपको सामने कुछ दिखे ना, बिल्कुल एकदम हल्का सा, मतलब ज़मीन से जो है एक फीट ऊपर होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मशीन अगर जंपिंग करे तो वो रोड पर टच ना हो, ठीक है। इतना ही लोडर को ऊपर उठाना है, तो ये दूसरी बात ध्यान देने वाली है। तीसरी बात आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। ज़्यादातर तो लोग हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप गलती से अगर हो जाता है ऐसा, तो इसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो आपकी मशीन आगे नहीं जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी समझिए, मैं अभी यहाँ पर हैंड ब्रेक लगा दिया हूँ, अभी हमारे डिस्प्ले पर कोई सिग्नल नहीं बता रहा है, ठीक है। अभी देखिए, मैं जो गियर लगा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने गियर लगा दिया, और ये मैटर नहीं करता कि आपके एक नंबर है या दो नंबर है या तीन नंबर या चार नंबर, इस गियर का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है, अगर आप इस गियर को फॉरवर्ड कर देते हैं और अगर आप रेस दबाते हैं तो ये आगे बढ़ेगी नहीं, आप देख सकते हैं गियर लगा हुआ है, आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको समझ में फटाक से आना चाहिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसका एक और आसान तरीका है कि आपको समझ में आ जाएगा फटाक से कि हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का मुझे सिग्नल दिखा रहा है कि भाई यहाँ आपकी जो मशीन है वो हैंड ब्रेक में है, ठीक है, हैंड ब्रेक लगा चुका है, मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताएगा सिग्नल, ठीक है। तो आपको जो है फटाक से हैंड ब्रेक, जैसे ही आप हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे आपकी ये लाइट भी बंद हो जाएगी, आपकी मशीन भी आगे ऑटोमेटिक चली जाएगी। देखिए अभी मैंने इसको बंद किया, ही देखिए मशीन आगे बढ़ने लगी ऑटोमेटिक, नहीं मैं रेस दबा रहा हूँ ना ही और कुछ कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो सिग्नल दिखा रहा था वो भी बंद पड़ गया, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक पर भी जो है आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मशीन को हम आगे लेके कैसे जाएं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस गियर को जो है एक नंबर पे लगा दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नंबर पे लगा दिया हूँ, इसमें चार नंबर होता है। अब मैं यहाँ पे जो है धीरे से इसको गियर डालूंगा, आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेक दबा के रखना है, ठीक है, और रेस वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। एक नंबर में लगा के आप गियर लगाएंगे और धीरे धीरे जो है ब्रेक को सिर्फ छोड़ना है, जैसे आप ब्रेक को छोड़ेंगे आपकी मशीन ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, ये देखिए बढ़ रही है आगे, ना ही मैं रेस दबा रहा हूँ ना ही और कुछ कर रहा हूँ, बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे से जो है रेस दबाना है हल्का हल्का, जैसे दबाएंगे आपकी मशीन थोड़ी स्पीड होगी। एक नंबर में जो है आपकी स्पीड कुछ इतनी रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दो नंबर लगाता हूँ, ये देखिए मैंने दो नंबर लगाया, तो दो नंबर में इसकी स्पीड कितनी होती है वो भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए दो नंबर में कुछ इतनी स्पीड होती है। अभी मैं यहाँ पे तीन नंबर लगाता हूँ, मैंने तीन नंबर लगा दिया, अभी यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी देख लेते हैं हम। इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 20 है तीन नंबर पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चार नंबर लगा देता हूँ, मैंने चार नंबर लगा दिया, ठीक है। अब इसकी स्पीड हम देख लेते हैं कितनी होती है, इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है चार नंबर की वो लगभग 35 है, ठीक है, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पाई। अगर आपकी ज़मीन रोड, मतलब एक लेवल रोड है, तो वहाँ पे आपकी जो है स्पीड मशीन की 35 तक जाती है। बाकी अगर इस तरीके से नॉर्मल रोड रहा तो वहाँ पे जो है आपकी मशीन 30 से अंदर ही रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि रोड ख़राब होता है तो मशीन भी जंपिंग करने लगती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक मारना पड़ता है, ठीक है। तो 30 के अंदर ही होता है ये सब रोड में, और अगर आपको 35 के ऊपर जाना है तो आपको भैया नेशनल हाईवे चाहिए, तभी आपकी मशीन जो है 35 या 35 के ऊपर जाएगी हल्की फुल्की। तो बस आज के वीडियो में इतना ही फिलहाल, कि मतलब मशीन को रोड पे हम कैसे ऑपरेट करें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोगों को समझ में आया जाए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।